बैठ, मैं पानी लेकर। यार माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना। बस फिर भाई भाभी आते होंगे, फिर लाते हैं सबके लिए गर्म गर्म चाय और पकौड़े बनाएंगे। चलो ठीक है, तब तक मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ, कल का प्लान भी तो बनाना है। ठीक है। आजकल ऑफिस में कितना काम हो गया, कल छुट्टी है, कल आराम करूंगा मैं। आप तो आराम करो, हम तो चले घूमने, वैसे भी लोग बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें जरूरत है आराम की। हम तो हो गए बूढ़े, तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वैसे भी मैंने तो प्लान बना दिया है और माँ से परमिशन भी ले ली, कजिन मूवीज शॉपिंग। भाई से परमिशन लिया तुमने? है माँ से ले लेना। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी। तुम्हारा क्या प्लान है कल का? कल का कल देख लेंगे, वैसे भी आप तो हमें कल ले जाने वाले हो। नहीं चलो ठीक है। माँ आपका संडे का प्लान बताओ ना। बेटा मैं जाती हूँ, किचन में बहुत काम है। आप जा कर रहे हो? अरे माँ का बहन मैं बताती हूँ, रिया अंधेरे होने से पहले घर आ जाना, देर तक बाहर मत रहना, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे भी माँ का संडे का मंडे, माँ तो रोज घर पे ही रहती है। लक्ष्मी। हाँ। दाल बन गई? हाँ बस बन गई। सब्जियाँ खत्म हो गई, कल सब्जियाँ लेने जाना है। चलेगी? हाँ हाँ जाते हैं ना। सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है, सोने चांदी के भाव में बिकने लगी है। अच्छा है ना, तुझे गहने नहीं खरीदने पड़ेंगे, ये टमाटर भिंडी के हार पहन के घूमना। क्या थी? अरे पर सच में पहले कितने अच्छे दिन हुआ करते थे, 250-300 में तो पूरा महीना निकल जाता था। सब लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम रहता था, आजकल तो खुद के घर वालों के लिए टाइम नहीं रहता। पता है तेरे को, जब ये दोनों छोटे थे तब इनके पापा हर छुट्टी हम सबको बाहर ले जाया करते थे, और जब इन दोनों को कुल्फी दिलाओ तो खाते खाते हाथ मुंह सब गंदा कर लेते थे। मेरे तो हस्बैंड भी ऐसे ही खाते हैं। हमें बता मैं क्या करवाऊं। अरे बेटा तू रेस्ट कर, अभी अभी ऑफिस से आई है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, सब बस तैयार ही है। अरे दे दो दे दो। क्या रेस्ट, हो गई बहुत रेस्ट, आप लोग बैठो अभी मैं कर दूंगा। अरे दीदी वो कल मेरे को ना छुट्टी चाहिए था। क्यों? कल संडे है ना। तो अरे तो हमने क्या सोचा, कल पूरी फैमिली घूमने जाती है, वैसे भी पूरी फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, वो क्या कहते हैं उसे, संडे फंडे। अरे वाह लक्ष्मी, तू तो अपने घर की मेम सागर। अब एक छुट्टी तो सबको मिलनी चाहिए ना। बात तो सही है। तो कल मेरी छुट्टी पक्की? पक्की। माँ आपको कभी छुट्टी नहीं चाहिए होती हम सबकी तरह? अरे बेटा मेरी काय की छुट्टी। क्यों नहीं, एक छुट्टी तो बनती है ना, जिसमें आप जो चाहे वो करो, क्या कुछ ना करो। बेटा क्या तुमने कभी देखा है किसी माँ को छुट्टी ले? पर कल मिलेगी। कुछ कहा तुमने? नहीं। चलो ना कल पूरी फैमिली लंच करने जाते हैं बाहर। कल कहीं नहीं जाना, बाहर का काम तो नहीं होता कल। अरे चलो ना, हम सब लोग ऐसे इतने टाइम से नहीं गए, फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किए, इट बी फन। चलो फैमिली टाइम स्पेंड, रोज डिनर टेबल पे जो सामने बैठ के बात करते हैं, वो भी फैमिली टाइम स्पेंड ही होता है। कल कहीं जाना फाइनल। अरे चलो ना, लेट्स गो प्लीज, एवरीवन विल वांट टू गो। नहीं बोला ना। Let's go now, please. नहीं, कल से विद्या भी करते हैं। Let's go now. नहीं बोला ना, final बनना है। अरे, राघव। रोशनी चाय। रोशनी मॉर्निंग माँ।
माँ माँ भाई पागल पता नहीं मैं भी कब से रोशनी घूमना हमारी नहीं आ रही माँ तो रोज सबसे पहले उठ जाती है ऐसे दिखी नहीं कहाँ गई दोनों मैं रोशनी को कॉल लगा के देखता हूँ हाँ मैं बाहर पड़ोसी का वहाँ देख के आती हूँ भाई माँ किसी के घर भी नहीं है ये क्या है डियर आ गया बहन भैया मेरी और माँ की टेंशन मत लेना बिना बताए जाने के लिए सॉरी आज मैं और मम्मी ना पूरे दिन बाहर रहेंगे और वो सब करेंगे जिससे मम्मी अच्छा और खुश फील करें क्योंकि एक संडे तो माँ भी डिजर्व करती है ना आखिर हम सब जितनी मेहनत करते हैं उस सबसे ज्यादा मेहनत तो वो ही करती है क्योंकि वो सिर्फ रोज घर पर ही नहीं रहती इनफैक्ट हमारे वहाँ ना होने पर भी उस घर को घर बनाती है।